की ना तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है कि लेंथ आपकी एन है यानी जो आपके पास नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस है एन आर द वर्टिकल लाइंस तो बेसिकली वही हमारी लेंथ होगी कंसिडर कर रहे होंगे ठीक है सो लेट्स से क, uh, so आपके पास ये जो है ये एन है एंड दिस इज योर लेंथ ठीक है और दूसरी जो हमारे पास डायमेंशन है वो ये वाली है अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास कॉल इट वहाँ आप चाहें तो इसको हाइट कह सकते हैं इसको हमने इसको हाइट का फाइन जैसे यहाँ उसको हाइट वेरिएबल में और अगर आपको कितना बेसिकली एरिया होगा ना उसका तो बेसिकली वाटर इस केस में जो आपको एग्जांपल दी है यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा जी आप फोर्टी नाइन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो एक कंटेनर में यहाँ पे स्टोर हो सकता है इस करने की कि ये किस तरह से आ रहा है तो और यहाँ पे क्या लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं ओके ये मैंने कल जो हम डिस्कस रहे थे वहीं से मैंने रहने दिए तो हम इसको दोबारा से कोशिश करते हैं अच्छा कोई मुझे बताएगा अर्ली अगर कोई जिन्होंने आज ज्वाइन किए कल नहीं थे तो कैन दे थिंक ऑफ एन आइडिया कोई अप्रोच जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं हमारा एम ये है कि हमने एरिया फाइंड करना है और दैट शुड मैक्सिमम यानी एक कंटेनर ऐसा हो और कंटेनर कौन सा होगा किसी भी दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में एक कंटेनर बन रहा होगा ठीक है यानी अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ये है एक ये है एक ये है तो ये सारी वर्टिकल लाइन एन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस आपके पास हैं तो हमने कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है एक ऐसा एल्गोरिदम कि आपने जो मैक्सिमम वाटर है वो किसी दो लाइंस के दरमियान में स्टोर हो सकता हो और फिर हम उसको रिटर्न कर रहे होंगे जो मैक्सिमम आपको मिल रहा होगा आप उसको रिटर्न कर रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी ये कल जो हम जितना हमने डिस्कस किया था वहाँ से मैंने लिख लिया कि अच्छा देखें इसको एक्सप्लेन करते हैं uh, मैंने कहा कि ठीक है हमारे पास हम टू पॉइंट अप्रोच यूज़ कर लेते हैं ठीक है हमने कहा लेफ़्ट यहाँ पे और राइट right हमारे पास एंड पे रख दो तो. लेफ़्ट को स्टार्ट पे रख दो और राइट right को एंड पे रख दो तो. ठीक है अच्छा आप देखें इस टाइम आपके पास जो कंटेनर है ना वो है ये वाला ऐसे ही तो बेसिकली आपका जो कंटेनर इस टाइम बन रहा होगा ना वो ये वाला ठीक है एक ये एक ये वाली वर्टिकल लाइन है और एक आपके पास ये वाली है अच्छा आपको लॉजिकली मुझे बताएं इसमें पानी कितना स्टोर हो सकता होगा यू हैव टू इसको भी आप देख के बता सकते हैं तो मिनिमम हाइट जो है उतना ही पानी स्टोर होगा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. अच्छा वो कोई बत, बताएगा मिनिमम हाइट क्यों यहाँ पे ले रहे हैं सर ताकि वाटर ओवरफ्लो यानी कि ना हाँ बिल्कुल तो उसे देखिए ना अगर आप ये लेट से मैं एक हाइट चाहे पहले हम देखते हैं एरिया कैसे फाइंड कर होंगे हमारे हमारे पास हाइट यहाँ पे वन है ठीक है अगर मैं यहाँ से देखूँ ऊपर ठीक है इसकी हाइट मेरे पास क्या है सेवन लेट से अच्छा और ये लेंथ कितनी है हमारे पास अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ हमारी लेंथ कितनी आ रही वी के एन एन जो है वर्टिकल लाइन है तो हम इनको काउंट करके हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या लेंथ आ रही है सी अगर हम जीरो यहाँ पे तो आप क्या करेंगे हाँ जी नाइन ना, ना, ना आ जाएगी ठीक है तो अब मुझे बताएं कि इसका एरिया कितना होगा सेवन टू नाइन अच्छा अगर देखिए मैं सेवन लेता हूँ हाइट इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पता क्या किया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर किया अब मुझे बताएं अगर पानी जो है अब लॉजिकली सोचिएगा हम सेवन क्यों नहीं ले सकते कि मैंने कंटेनर कहाँ से बनाया जो हमारे पास लोअर जो आपके पास हाइट है दोनों वर्टिकल लाइन्स में से जिसकी हाइट कम है हम मैं कहता हूँ ठीक है पानी जो है बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए ठीक है और कहाँ तक जा रहे हैं इस यहाँ तक अब मुझे पता बताएं अगर एक जो साइड है किसी कंटेनर की वो इतनी है वो कम है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पानी जो है वो ऊपर जाने की बजाय वो फिर वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा यानी एक पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर उसे बाहर जाने लग जाएगा राइट तो आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि यानी एक ऐसा कंटेनर जहाँ पे एक हाइट जो है उसकी थोड़ी सी कम है और दूसरी हाइट उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली दूसरी हाइट तक तो वो पहुंच ही नहीं ना सकता यानी इस पॉइंट तक तो वो आ ही नहीं सकता वो क्या वो जैसे ही इस लाइन इस पे आएगा तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा इसके मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम जो इस पर्टिकुलर इन दो आ, जो लाइंस हैं वर्टिकल इनके दरम्यान में जो हमारा कंटेनर बन रहा है उसमें एक लेवल जो है वो रीच करने के बाद वो पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप उसमें ऐड भी करते जाते हैं इसके मतलब हमारा मैक्सिमम जो वाटर है यहाँ पे जो स्टोर हो सकता है दैट शुड बी वन इंटू नाइन दैट शुड बी नाइन राइट अच्छा ये तो बात क्लियर है सबको एरिया कैसे फाइंड हो रहा है आ, ओके ठीक है अब एट होगा मैं अगर यहाँ से काउंट करें तो हम करके कह रहे राइट right को राइट uh, right में से लेफ्ट को माइनस कर दें तो आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी और हाँ तो वो एट ही होगा आई थिंक ओके तो ये आपके पास इसका एट आ जाएगा इस सेंस में अच्छा ये समझ आ गई कि बेसिकली एरिया जो है हमने उसमें मिनिमम हाइट क्यों फाइंड कर रहे हैं हम कोई भी रेंडमली हाइट क्यों नहीं ले रहे हैं हम मिनिमम इसीलिए ले रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि पानी जो है वो ओवरफ्लो कर देगा अगर मैं मैक्सिमम लेट से मैं दूसरी हाइट लेता हूँ ये वाली तो वो तो आपका लॉजिक ही नहीं बनेगी ना पानी जो इसे ऊपर जा ही नहीं सकता उसका लेवल ऊपर जाएगा ही नहीं अनलेस एन अनटेल ये हाइट जो है कम अज़ कम उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तब उसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जो वाटर है उसका लेवल ज़्यादा राइट अच्छा लेट्स ए अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक रहने देता हूँ थ्री तक आप मुझे बताएं लाइक ये जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है आप मुझे बताएं अगर इसका इसकी हाइट थ्री है ये जो रेड आपके पास वर्टिकल लाइन है तो इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो कितना होगा यानी हाइट इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी थ्री थ्री उसके अगर मैं राइट में से ले, लेफ्ट को लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा मैं हम देखते हैं भी कैसे आएगा लेकिन जस्ट टू सिम्यट कि पान, पानी जो हम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं तो अगर लेफ्ट यहाँ पे आप देखें हमारे पास जिसकी लेंथ होगी वो क्या होगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड से ठीक है तो थ्री यहाँ पे और सेवन लेट से मेरे पास यहाँ देता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब हमारे पास जो इस टाइम यानी इस पॉइंट तक जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन राइट ये मैंने क्या किया मैंने एक एज्यूम किया कि मेरे पास ये नहीं है जस्ट इन केस आपको समझ आ जाए कि इससे ऊपर क्यों नहीं जाएगा पानी इ, इ, इस केस के अंदर कि इसी ऊपर जा ही नहीं सकता अगर पानी डालते जाए यहाँ से आप पानी डाल रहे हैं लेट्स डालते जाए तो वो क्या होगा वो अल्टीमेटली इस लेवल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो आपका लेवल नहीं ऊपर जाएगा इसे गेटिंग माई पॉइंट कि ये बेसिकली जो लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल सी है अगर आप इसको रियल में भी अप्लाई करके देखें ठीक है अच्छा किसी का कोई क्वेरी यहाँ तक अभी जो हमने डिस्कस किया मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने जो ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसमें आपने राइट माइनस लेफ्ट क्यों किया वो तो ठीक है आपने उसके आगे मल्टीप्लाई कर दिया मिनिमम हाइट से लेकिन राइट माइनस लेफ्ट क्यों किया ये है ये देखिए नॉर्मली जो आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है राइट right? अच्छा अब देखिए अगर लेंथ है आपने लेंथ कहाँ तक फाइंड करनी डेफिनेटली जो इस टाइम आपके पास एक इनिशियल वैल्यू और एक वैल्यू जो उसकी फाइनल है आपके पास राइट right? तो उसमें इस केस में हम क्या कर रहे होंगे हम जितनी पूरी लेंथ है तो उसको हम यानी हमें नहीं पता कि राइट जो है वो लास्ट पे कहाँ पे पड़ा हुआ है right? राइट हमने सिर्फ ये कह दिया कि राइट जो है वो पूरी लेंथ के एंड पे चला दे जितनी जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास उसका आ, लिस्ट के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसके इंडेक्स पे चला दे बेसिकली राइट हमें नहीं पता कि वो एन टाइम्स कितनी दफ़ा हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पे वैसे आपको बताऊँ ना तो ये देखें हमारे पास एन जा सकते हैं टेन रिस्को फाइव तक ठीक है यानी मिनिमम हमारे पास अब एन क्या थी एन आपके पास वर्टिकल इसका मतलब डेफिनेटली ये भी नहीं हो सकता अगर वन होता तो आप एरिया कर सकते मैं, मैं आपको बताता हूँ क्या आप इसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर नहीं, नहीं कर सकते कंटेनर बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए हमें कम से कम दो लाइन चाहिए होती है ना ताकि हम उसमें स्टोर कर सकें इसीलिए उन्होंने कह दिया कि एन जो है जो वर्टिकल लाइंस हैं मिनिमम वो टू हो सकती हैं और मैक्सिमम वो टेन रेस्क फाइव तक जा सकती हैं राइट right? अब देखिए यहाँ पे अच्छा अब लेंथ जो है हमने कह दिया कि लेंथ जो है ये एन टाइम्स है बेसिकली जो क्वेश्चन है ठीक है जो वर्टिकल लाइन्स को रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं जो जितनी वर्टिकल लाइन्स हैं उतनी ही एन की वैल्यू होगी बेसिकली ठीक है अब इस केस के अंदर जो हम सिर्फ सिम्यूलेट कर रहे हैं हमने कहा जी ठीक है आप राइट right को एग्जैक्टली exactly जो लास्ट आपके पास वर्टिकल लाइन है उस पर प्लेस कर दें और जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको बिल्कुल स्टार्ट में कर दें इंडेक्स के ऊपर जो इस इस वर्टिकल लाइन का इंडेक्स है उस पर लेफ्ट को रख दो लेफ्ट पॉइंटर और जो लास्ट पे है उसमें राइट पॉइंटर को प्लेस कर दो अब देखिए अब जब भी हमने लेंथ फाइंड करनी है तो डेफिनेटली वो कैसे फाइंड करेगा राइट right में से लेफ्ट को माइनस कर देगा तो पूरी लेंथ जो है वो आपके पास लिस्ट किया देगी राइट right? तो ये हो रहा है बेसिकली अब लेंथ जो है आपके पास कैसी आ रही है राइट माइनस लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय हाइट अब मैं हमने ऑलरेडी कह रही है जो हाइट है हम कौन सी कंसिडर कर रहे होंगे जो हमारे पास दोनों में से मिनिमम होगी हाइट अगर यहाँ पे मैक्सिमम है और ये मिनिमम है तो हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम कंटेनर इसी ऊपर जा ही नहीं सकता ना ठीक है ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए मैं ना एक डैम है आपके पास लेट से इस तरह का कुछ अब मुझे बताएं यहां से पानी आप डाल रहे हैं ठीक है फ्लो होता जा रहा है होता जा रहा है ये फिल कितना होगा पानी का लेवल कहाँ तक आएगा जब इस इस सरफेस पे आ जाएगा वाटर का लेवल क्या इससे ऊपर पानी जा सकता एक जनरल क्वेश्चन है मेरा नौ no, सर नहीं जाएगा कि जितना मर्जी पानी डालते जाए वो अल्टीमेटली क्या करेगा इस लेवल से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ये पानी इस लेवल पे मेंटेन रहेगा यानी ये समझे अभी ये कंटेनर आपका यहाँ तक हो गया कंटेन उसने इतना किया इसी इसके ऊपर ये सारी जो थी उसकी हाइट वो निगलेक्ट हो गई इसीलिए हम क्या करें हम सिर्फ जो फ्लोर से जो मिनिमम हाइट है हमारे पास हम उसको आ, कंसिडर कर रहे हैं ये वाली हाइट क्योंकि इससे ऊपर वाली चलना शुरू हो जाएगा ओके okay, सो so ये बेसिकली इसका बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे जो हाइट है एरिया की एरिया में वो हम मिनिमम ले रहे हैं दोनों जो हमारी वर्टिकल लाइंस हो रही होंगी ओके सो okay, so, अच्छा अब देखिए अब एल्गोरिजम ये है कि आपने क्योंकि आपके पास दो हमने पॉइंटर ले लिया एक पॉइंटर हमने स्टार्ट में रख दिया और एक पॉइंटर हमने एंड पे रख दिया होगा ये कि देखें पहले तो वो यहाँ पे चेक करेगा ठीक है आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है डोंट गेट कंफ्यूज ये यहाँ पे वन पे ही जा रही है तो अब मुझे बताइए अगर ये एरिया उसने एक बार फाइंड कर लिया ठीक है जो हमने किया इसका एट आ गया था हमारे पास ठीक है चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगर एट आया है, आपके पास यहाँ पे लेट से आपने एरिया इस टाइम आपको कितना आ गया एट अच्छा अब रिजल्ट जो है हमने क्या किया एक वेरिएबल बना लिया अलग से जिस बेसिकली ये वो रिज़ल्ट है जो मैक्सिमम आपकी जो जो वाटर है जो एरिया है वो रिटर्न कर रहे होंगे हम इसको ठीक है तो हमने इनिशियली तो ये ज़ीरो होगा लेकिन बाद में कोर्ट के अंदर इसको हम इस तरह से फाइंड कर रहे होंगे क्यों क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो करंट जो रिजल्ट की वैल्यू थी और जो अब नया एरिया कैलकुलेट हो रहा ठीक है उस दो, उन दोनों में से चेक कर दो कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपडेट कर दो रिजल्ट के अंदर ठीक है तो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है अच्छा देखें अब आपने कहा ठीक है आप जब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे राइट पॉइंटर यहाँ पे आपने इसका फाइंड किया एरिया आपके पास आ गया अभी मैक्सिमम जो आपके पास एरिया होगा ना वो एट हो जाएगा डेट से मेरे पास ये ज़ीरो था इनिशियली और यहाँ पे एट आ जाएगा मेरे पास तो अभी रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा एट राइट क्योंकि मैक्सिमम देख रहे हैं फाइन तो अब देखिए मैं इस पर ना थोड़ा सा करूँगा इसको रन करके देखते हैं ऊपर सिमुलेट करके देखते हैं तो जब भी आपने ये करना है ना अब अब हमने हमें रिक्वायर्ड है मैक्सिमम एरिया कंटेनर में जो मैक्सिमम आपका वाटर स्टोर हो सकता है जी सर अब्दुल्ला जी सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है यहाँ लेफ्ट पॉइंटर जो है वो वन इंडेक्स पे पड़ा है और राइट पॉइंटर नाइन्थ इंडेक्स पे ऐसे तो इसी तरह अच्छा, ये, मैंने ये जी सर ओके ये आपके इंडेक्स पे जीरो होगा ये जो आपके पास हाइट है ना ये स्केल ये इंडेक्स नहीं है ये सिर्फ स्केल है एक जिस ये तो हाइट है ये जो लाइक एक्स एक्सेस पे इसके लाइक जैसे भी आपने राइट माइनस लेफ्ट किया ये राइट जो पड़ा था लाइक नाइन पे था तो नाइन माइनस वन किया तो एट आया था हमारे पास तो फिर हमने उसे वन से मल्टीप्लाई किया मैक्स हाइट जो नहीं किया मीन हाइट जो बनती थी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है अब देखें अगर आप देखें इसको ये नाइन पे है लाइक मैं अगर देख एट पे है क्योंकि हम लेफ़्ट जो है हमारा जीरो पे है हम स्टार्ट हमेशा जीरो से करते हैं ना अनलेस इनटली आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि आपने वन इंडेक्स्ड रखा है और वन से ही आपने शुरू करना राइट right? तो अभी हमारे पास अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या होगा एट एट शुड बी टोटल लेंथ को वन में से टोटल uh, लेंथ में से वन को माइनस कर दो तो आपके पास जो लास्ट का इंडेक्स है वो आ जाएगा गेटिंग पॉइंट बिल्कुल तो जो नॉर्मल में पढ़ा था कि अगर आप जीरो से शुरू करते हैं इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है लिस्ट का तो फिर आप क्या करते हैं पूरी लेंथ में से जो लास्ट का इंडेक्स है यानी एंड पे जाने के लिए उस इंडेक्स को आप कैसे फाइंड करते हैं पूरी की लेंथ में से एक माइनस कर दो क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं वन वन लेसर देन ठीक है है यानी कि से तो हम उसे पीछे से एक शुरू कर रहे हैं तो जीरो से हो रहा है अब देखिए अब मेरे पास हमने क्या किया अब अब हमारा लॉजिक ये है कि यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया सीखा इसका हमारे पास एट आ रहा था ठीक है नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करता हूँ हम कंडीशन एक ये लगाएंगे कि इनमें से जो भी हाइट कम है लेट्स अगर इस केस में लेफ्ट की जो लेफ्ट, की लेफ्ट पे उसकी हाइट कम थी राइट से तो इस केस के अंदर क्या करो कि लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर अच्छा अब इस कंटेनर की मैं कौन सी हाइट ले रहा हूँ जी सर आपका हैंड रिव भी सही आपकी आवाज लैग कर रही है या मुझे लग रहा है जी लैग कर रही है काफी मेरी तरफ भी नहीं आ रही अच्छा आपने क्या कहा था एरिया फाइंड करने के लिए अच्छा मुझे बताइएगा जब क्लियर होती है आप क्लियर है सर आप क्लियर है अब काफी हद तक बेहतर है ओके okay, मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है जी जी सर क्लियर है ओके ओके ठीक है अच्छा हम आगे थे यहाँ पे मैं मैं ये पूछ रहा था कि अब मुझे बताइए कि हम इस कंटेनर में हम कौन सी हाइट को ले रहे होंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए सर लास्ट वाली को हाँ जो बेसिकली मिनिमम हाइट है लेफ्ट और राइट right में से जिसकी भी हाइट मिनिमम है हम उसको यहाँ पे पिक करें होंगे एरिया के लिए और हमारे पास लेंथ क्या होगी uh, जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी दोनों की ठीक है इसमें से आप सिर्फ माइनस कर देंगे लेफ्ट में से राइट uh, right में से लेफ्ट को माइनस करेंगे एंड यू वुड गेट सेवन तो सेवन यहाँ पे और सेवन ही हमारे पास जो मिनिमम हाइट है वो ये वाली है ठीक है तो इसका हमारे पास जो एरिया आ रहा होगा वो क्या होगा सेवन इंटू सेवन ये गेट फोर्टी नाइन और अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल की आपके पास मैक्सिमम जो स्टोर हो रहा है ना यहाँ पर वो यही वाला हो रहा है ठीक है उसकी क्या वजह कि देखें एरिया यहाँ पे आया अब जब हम रिज़ल्ट में मैक्सिमम स्टोर कर रहे होंगे ना तो पिछला हमारे पास रिज़ल्ट था यहाँ पे एट अगर आपको याद हो जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था यहाँ पे और जो इस दफ़ा का एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या है फोर्टी नाइन ठीक है तो रिज़ल्ट में जो मैक्सिमम अब स्टोर हो रहा होगा वो कौन सा होगा हमारे पास एरिया दैट वुड बी फोर्टी नाइन ठीक है अच्छा अब देखते हैं क्या हमें इससे ज़्यादा बड़ा एरिया मिलता है ये तब ही अपडेट करेगा दोबारा से यानी मैक्सिमम कोई चेंज कर रहा होगा जब इससे मज़ीद बड़ा हमें कोई एरिया में मिल रहा होगा ठीक है तो लेट्स सी कि हमारे पास जो अब का अगर हम आगे चलते जाएं इसको मैं रेस करता हूँ और इसको भी आपको फोर्टी नाइन यहाँ तक मिल गया ठीक है अच्छा अब मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया कि जो हाइट कम होगी हम उस वाले पॉइंटर को अपडेट कर रहे होंगे इन दिस केस हमने किया था कि लेफ़्ट जो है वो हमारे पास कम उसकी हाइट कम थी तो हमने लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर दिया अच्छा अब इस केस के अंदर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इसकी हाइट जो है वो राइट से ज़्यादा है तो इस केस में मुझे कोई बताए हम किसको अपडेट कर रहे होंगे कौन से पॉइंटर को सर राइट को माइनस कर देंगे राइट माइनस वन हाँ एग्जैक्ट exactly. तो इसको अपडेट करके बेसिकली हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे तो राइट जो वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अच्छा अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट जो कंटेनर है वो कौन सा बन रहा होगा वो ये वाला बन रहा है फाइन अच्छा अब आप, आप, आप दोबारा से इसको आप कैलकुलेट करके देख लें लाइक हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं मेरे पास थ्री यहाँ पे क्या है थ्री क्यों दोबारा से कोई मुझे बताए वाई थ्री वाई नॉट एट यानी uh, वो में चला जाएगा जो हाँ, उसकी ये 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 है हमारा, अगर मैं इस तो, तो जैसे जब आप पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर तो वो पानी इतना तो फिल हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो पानी यहाँ से बाहर ही जाएगा उसका लेवल इससे ऊपर नहीं जाएगा ठीक है सो बेसिकली दोबारा से जस्ट टू आप देखें और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है सिक्स तो अब आपके पास इसका जो एरिया वो कितना आ रहा होगा एटीन ओके अब ये एरिया जो है ये आपको एरिया में तो मिल गया ठीक है यहाँ पे अब अपडेट हो जाएगा एरिया ये आपके पास एटीन आ जाएगा ठीक है या आप इसको चेक करेंगे लेकिन इस टाइम जो रिज़ल्ट जो पीछे से आ रहा होगा हमारे पास वो क्या था फोर्टी नाइन राइट तो मुझे बताए मैक्सिमम वो दोबारा से किसको पिक कर लेगा फोर्टी नाइन वो यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसमें दोबारा ठीक है अच्छा अब दोबारा आगे देखते हैं अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से फिर से मिनिमम हाइट किसकी है राइट की तो हम क्या करेंगे उसको दोबारा से आ, आ, एक डिक्रीमेंट करेंगे और फिर राइट से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अच्छा अब इस दफ़ा जो हमारा कंटेनर है वो कुछ ये बन रहा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम हो गए यानी ये कंटेनर बन रहा हमारे पास पूरा का मैं देखूं उसको फाइन तो हमारा इस दफा अब तो एट ही है क्योंकि कॉमन है हाइट तो यहाँ तक तो पानी भारी ही जाएगा तो ये दैट इज़ अ वेरी आइडियल एक एग्जांपल बड़ी रियलिस्टिक अगर आप किसी कोई ग्लास भी देखते हैं तो बैलेंस्ड होता है तो इसमें तो आपको आइडिया होगा कि दोनों की हाइट सेम है तो इतना पानी तो भारी रहेगा इससे ज़्यादा डालेंगे तो वायर चला जाएगा जी मैं ओके okay, सो so, अच्छा देखिए तो यहाँ तक ये यह यानी आपके पास जो टोटल अब जो है आपके पास कंटेनर uh, इसका कोई मुझे बताएगा इसका एरिया कितना होगा सर फोर्टी होगा हाँ यू गोट एट हाइट है और लेंथ कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव या फिर आप किस तरह कर सकते हैं जो लेफ्ट का इंडेक्स है विच इज़ वन ओवर हेयर और राइट right का क्या है दैट इज टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट अगर सिक्स ये इंडेक्स है तो सिक्स माइनस वन इस केस में क्या होगा उसकी लेंथ हो जाएगी इट वुड बी फाइव राइट तो मेरे पास जो इसकी लेंथ है वो कितनी आ रही है फाइव यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो हमारे पास इसके पूरा जो हमारे पास अब का जो हमारे पास एरिया आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा फोर्टी विच इज़ स्टिलसर दैन फोर्टी नाइन तो ये एरिया अगर फोर्टी भी है मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ फोर्टी तो फिर भी वो जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें फ़ोर्टी नाइन ही स्टोर्ड है तो उससे मैक्सिमम अगर दोबारा हम कह रहे होंगे तो फिर फोर्टी नाइन ही आ रहा होगा यानी अभी तक हमें फ़ोर्टी नाइन मिला था उससे ऊपर नहीं मिल रहा ठीक तो... है तो अच्छा अब देखिए कि अब ये दोनों हाइट सिमिलर है दोनों की सेम हाइट है एट है तो इस केस में देखें अब आप सोच रहे होंगे कि हम अभी तक जो अपडेट कर रहे थे पॉइंटर तो वो तो उसको कर रहे थे जिसकी हाइट थोड़ी सी कम थी यानी जिसकी मिनिमम हाइट थी हम उसको अपडेट कर रहे थे या उसको डिक्रीमेंट कर रहे थे अगर उसकी कम हाइट या फिर इंक्रीमेंट कर रहे थे अगर उसकी कम हाइट तो अब तो दोनों की हाइट सेम है तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें सर किसी एक को फॉलो कर लेंगे ना तो हमारे पास है अगर इफ बिल्कुल बिल्कुल सो दैट इज दैट वुड बी योर ओन चॉइस आप चाहें तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दें या फिर राइट right को डिक्रीमेंट कर दें इट वोट चेंज एनी थिंग आपका एल्गो जो है ना वो चलता रहेगा सही तो हम राइट right को कर रहे थे ज़्यादा तो हम राइट right को ही कर लेते हैं ठीक है राइट right आपके पास यहाँ पे आ गया अच्छा आप मुझे बताएं कि जो नया कंटेनर है आपके पास वो यहाँ से बनेगा या यहाँ से बनेगा

अच्छा फोर इंटू फोर यू गेट सिक्सटी विच इज़ स्टिल फोर्टी नाइन जो हमारे पास अभी तक स्टोर्ड है हाईस्ट उसी ऊपर कोई नहीं जा रहा अच्छा फिर ठीक है अब ये देखें आपको ये समझ आना शुरू हो कि बेसिकली जो फोर्टी नाइन था वो हमारे पास मैक्सिमम था ये वजह है कि आपको आपका एल्गो जो है ये आगे चेक ही नहीं कर रहा हो वो कर भी लेता है ना फोर्टी नाइन पर जाके तो उसने वो रुक जाना क्योंकि उससे पता होगा कि इससे आगे कोई उससे मिलने नहीं रहा फाइन ये तो हम वैसे देख रहे हैं कि एल्गोरिज्म जो है वो कहाँ तक चलता है और ये इसकी तो मुझे बताएगा यहाँ पे लूप कौन सा यूज हो रहा होगा सर लूप बिल्कुल और साथ उसकी जो कंडीशन है वो ये देख रहे होंगे कि ठीक है हमें ऑलरेडी ये पता चल गया क्योंकि हमें दो वर्टिकल लाइंस तो चाहिए, चाहिए तो अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हमेशा कम से कम एक जो है वो ग्रेटर रहना चाहिए लेफ्ट से तब तक वो जो लूप है वो चलता रहेगा ताकि आपका कंटेनर मेंटेन रहे अगर ये राइट right, लेफ्ट पे आ गए तो फिर तो सिंगल लाइन हो जाएगी ना ये वाली और उस पर कंटेनर नहीं बनता आपका तो हमारे वो कंस्टेंट्स के अगेंस्ट चला जाता है ठीक है सो इस तरह करते करते अगर आप एंड तक भी चेक करेंगे ना तो आपको एरिया फोर्टी नाइन से ग्रेटर नहीं मिल रहा होगा ये वजह है कि हमने मैक्सिमम एंड पे रिजल्ट क्या किया उसको फोर्टी नाइन रिटर्न करवा रहे हैं Fine. तो अच्छा अब इसको कोड करके देखते हैं किसी के किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए अभी तक क्लियर है सर ओके सो ट्राई टू हेल्प मी आउट द कोड मैं कोशिश करता हूँ तो हमारे पास हमने क्या किया दो पॉइंटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं विच इज लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट को हमने क्या कहा हमने हमेशा शुरू करना है बिल्कुल इनिशियली हमारे पास से ज़ीरो इंडेक्स होगा और राइट को लास्ट इंडेक्स से करना है तो वो हम कैसे करें होंगे हाँ लेकिन लेंथ किसकी होगी हमारे पास जो हमारे पास हाइट है जो हमारे पास ये, ये वाली है ठीक तो लेंथ ऑफ हाइट एंड से माइनस ठीक है तो पॉइंट माइनस वन क्यों लगाया क्योंकि हम इनिशियली जीरो से शुरू कर रहे हैं तो जब आपको लास्ट इंडेक्स चाहिए तो आप उसमें से पूरी हाइट में से एक माइनस कर देंगे उसका इंडेक्स मिल जाएगा आपको अच्छा अब हमने क्या कंडीशन हमने कहा वाइल जब तक आपका लेफ्ट जो है वो लेसर है राइट right से तब तक क्या करो लूप चलाते रहो और उसमें हम क्या कर रहे थे हमने कहा एक एरिया जो है फाइंड कर लें और एरिया का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता चल गया हुआ जिस राइट माइनस लेफ्ट और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे मिनिमम जो भी मिनिमम होगी हाइट लेफ्ट और हाइट राइट ठीक है अच्छा अब उसके बाद हमने कहा कि अच्छा हमने क्योंकि रिटर्न uh, करने मैक्सिमम जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे विच इज़ इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसको ज़ीरो से रिज़ल्ट ठीक है अब इस रिजल्ट को अपडेट कैसे कर रहे होंगे हम हमने कहा मैक्सिमम हमें चाहिए इसलिए मैक्स यूज़ करते हैं विच इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन और जो पीछे से रिजल्ट आ रहा होगा रिज़ल्ट इट सेल्फ जिस टाइम जीरो होगा फर्स्ट इटरेशन पे और जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करते जाओ और देखते जाओ कि मैक्सिमम जो है वो कौन सा है और वो रिटर्न करते जाओ अच्छा अब ये कब कब होगा कि ये तब चलेगा जब हमारी जो कंडीशन है विच इज़ जो हमने करना है, हम उसको ट्रीवर्स कर रहे होंगे हम कैसे करेंगे जब हमारी हाइट जो है लेफ्ट अगर वो लेसर है हाइट ऑफ राइट से, तो इस इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम तो लेफ्ट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे हाँ बिल्कुल उसकी क्या वजह कि हमारा जो हाइट जो है जो भी मिनिमम होगी हम उससे आ, आगे अपडेट अगे कर रहे होंगे तो हमने क्या कहा लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर तो पाइथन में इस तरह से कर रहे होते हैं ठीक है और एल जेफ़ लेट से यहाँ एक और हम काम भी कर सकते थे लेकिन चलें वो आप इसको कर सकते हैं आप इसको ना स्टोर भी करवा सकते थे पहले लेकिन चलें हम इस तरह करते हैं एल जिफ वही चीज़ दोबारा अगर हाइट आपके पास लेफ्ट uh, इस टाइम अगर वो ग्रेटर है तो उस टाइम क्या होगा अब Sir, आपकी हाइट जो है हाँ राइट right को हम डिक्रीमेंट कर देंगे एल्स एल्स का मतलब हुआ कि अब दोनों हाइट्स जो है वो सेम है इस केस में हमने क्या कहा था ये वो वाला पॉइंट आ गया ये भी और ये दोनों एट पे हैं तो इस पॉइंट पे हमने क्या कहा था आप चाहें तो यू कैन मैंने हमने हमने किया था अपने केस में हमने कहा इसको डिक्रीमेंट कर दो लेकिन आप चाहें तो आप इसका भी कर सकते हैं आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं यू कैन ट्राई दैट आउट एज वेल ठीक है अच्छा अब ये तो हो गया तो एंड पे यू कीप रनिंग दिस आपके पास एरिया आ रहा है जो मैक्सिमम आ रहा है उसके बाद अपने हाइट करते जा रहे हैं आप हाइट को और एंड पे आप रिटर्न कर देंगे जो आपके पास मैक्सिमम स्टोर हो रहा होगा रिज़ल्ट के अंदर आई गेस्ट सो ओके ठीक है ओके okay. तो so, हमें जो मैक्सिमम है फोर्टी नाइन हमारा मैच हो रहा है हम सबमिट भी करवा के देख लेते हैं इसको हम्म ओके तो अब ये देखें कि आपका जो कोड है दैट इज मेमोरी एफिशिएंट एक कंडीशन ज्यादा नहीं लगाएगी आप एलएफ की जगह खाली एल्स कर देंगे कि अगर वो बड़ा होगा तो तभी राइट माइनस वन होगा वरना वैसे भी राइट माइनस वन होता है हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये समझ आ गई कि ऑलरेडी राइट right जो है हम हम हमारे पास एक चॉइस आ गई कि हम लेफ्ट को भी कर सकते हैं right राइट को भी कर सकते हैं तो अगर आप राइट right को कर रहे हैं तो आप इस कंडीशन को हटा सकते हैं और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप इस कंडीशन को भी हटा सकते हैं राइट right? तो आप कोई यानी सिर्फ दो कंडीशन पर भी जाइए हम सिर्फ समझने के लिए कि जो हमारे पास जो एक, एक्चुअली जो हमारा जो सिमुलेशन थी जो हम उसको जो ट्रैक कर रहे थे तो हम किस तरह किस चेक कर रहे थे तो हमने उस तरह लिख लिया उसको राइट सो यू कैन जस्ट मेक इट मोर एफिशिएंट तो ये था हमारा कोड मुझे कोई बताएगा इसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी एनीवन ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ओके okay, तो इसका टाइम हमारे पास पिक ऑफ एन रहा हाँ बिल्कुल एन आएगा अच्छा अगर आप देखें ये प्रॉब्लम जो है ना आप चाहते तो मे बी यू कुड सॉल्व इट लाइक नेस्टेड लूप्स के साथ भी आप सॉल्व कर सकते थे शायद इसको ठीक है अब आप क्या करते आप आई यहाँ पे रखते पॉइंटर जी यहाँ पे रखते और फिर चेक करते जाते एक कंटेनर में वाटर स्टोर किया उसे आगे ले गए फिर आपने उसे स्टोर किया और मैक्सिमम जो है वो रिटर्न करते जा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि आपको फिर जब आई बी आईट्रेड करना पड़ता है ना तो आपके पास जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इस कोर्स से डबल हो जाती है ठीक है तो, तो देखिए अब यहाँ पे इस केस के अंदर के हमने क्या किया हमने टू पॉइंट यूज किया तो उसने हमारा जो टाइम है वो बहुत सारा बचा लिया और स्पेस भी बचा ली तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी

स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं वो इफेस स्टेटमेंट्स हैं तो वो सारी इफे स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सटेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेती हैं तो बस बेसिकली टाइम लग रहा है वो सिर्फ वायलू के जो ट्रेवर्स कर रहे हैं एक दफ़ा उसमें ही लग रहा है तो इस वजह से ये ऑर्डर ऑफ एन है बिल्कुल ऐसे ही तो ये सर ने जो बोला है मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे एनोटेट करके दिखाता हूँ लेफ्ट से आपके पास लेफ्ट यहाँ पे था इनिशियली और राइट यहाँ पे था अच्छा देखिएगा ये टाइम जो है ये ऑफ एन कैसे आ रहा है यहाँ पे राइट ये अभी छोड़ने के जब हम जो मिनिमम है हम उस पर कर रहे थे हमने कहा ठीक है इसको एक काम कर दो तो राइट यहाँ पे आ गया ठीक है या फिर लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर रहे थे लेफ़्ट यहाँ पे आ रहा था ठीक है फिर हम अगर चाहते तो हम लेफ़्ट को आगे इंक्रीमेंट कर सकते थे और कंटेनर्स जो है वो चेक करते जा रहे थे अच्छा लेकिन इसमें ये ऑफ एंड किस तरह से हो रहा है कि देखिए हमने हर एक जो आपके पास इंडेक्स पे वैल्यू थी था हमने सिर्फ उसको एक ही बार चेक किया हमने उसको बार बार नहीं चेक किया यानी बार बार से क्या कैमरा है यानी उस पर डबल एक ही प्रोसेस को दो बार नहीं चलाया अगर आपके पास एक कंटेनर ये था ये वाला तो हमने उसको एक ही बार चेक किया उसके बाद या तो हम इसको आइट्रेट कर रहे हैं या फिर इसको यानी कर रहे हैं हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं तो अगर हम इसको अपडेट कर रहे थे तो फिर नेक्स्ट हमारा कंटेनर अपडेट होता जा रहा था अच्छा अब देखिए अगर मैं ना यहाँ पर ये यह कर रहा होता कुछ इस तरह से आप करते कि लेफ़्ट यहाँ है राइट यहाँ पे ठीक है ये दो आपके पास ना पॉइंटर्स हैं एंड यू कैन यू विल सी के नेस्टेड लुक कैसे है पहला कंटेनर आपके पास ये था अच्छा ठीक है आपके पास एक वैल्यू ये आ गए एरिया की वैल्यू आ गई फिर मैंने क्या किया राइट right को आगे ले गया ठीक है अब मेरे पास कंटेनर कौन सा है ये वाला अच्छा अब नया एरिया आ गया आपके पास ये वाला ठीक है फिर मैंने क्या किया तो बारी बारी मैं हर एक पे चेक कर रहा हूँ अच्छा अब जब राइट यहाँ पे आ गया ना एक दफ़ा आपने सारी सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा इस एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेक की है अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे होंगे आप इसको भी एक दफ़ा आइटरेट कर रहे होंगे इसको आप अपडेट कर रहे होंगे क्योंकि आपने हर एक को आपस में चेक करना तो अब अब क्या हो रहा होगा अब आप आपका जो लेफ्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और राइट right जो है वो यहाँ से होगा तो दोबारा से आप कंटेनर जो है वो चेक कर रहे होंगे एंड यू कैन राइट एक्चुअली ये कोड भी आप लिख सकते हैं दैट इज़ ब्रूट फोर्स अब इस दफ़ा आपके पास जो कंटेनर चेक रहा हो रहा होगा वो दोबारा से ये हो रहा होगा इन दोनों का चेक रहा हो रहा होगा अच्छा अब ऑलरेडी देखें हमने जब इससे चेक किया था फिर हम आगे जाते जा रहे थे तो बारी बारी हम क्या कर रहे हैं कि हर एक वैल्यू हर एक जो आपके पास इंस्टेंस है जो आपके पास पॉइंटर है हम उसको दो दो बार चेक करने लग गए ठीक है तो वो जो दो दो बार चेक होता जा रहा है ना वो एक नेस्टेड लूप बन जाता है और उसके इसमें हमारी जो कम्पलेक्सिटी है वो आ, हो जाएगी क्वालटिक विच स्क्वायर ठीक है तो वर्स्ट उसमें ज़्यादा वो वो वर्स्ट है एज़ कम्पेयर टू जो हम टू पॉइंट से कर रहे थे हमने एक एक ही बार उस पर एक ही रिवर्सल में हमने उसको पूरे का पूरा जो हमारे पास लिस्ट है हमने उसको आइडेड कर लिया ये पूरी लिस्ट हमारे, so uh, uh, हमारे पास थी ठीक है सो बेसिकली दैट इज हाउ जो हमारे पास बिग ऑफ एन आर है टाइम कम्प्लेक्सिटी विच इज लीनियर स्पेस ऑफ़ कैसे हो रही है? रेस्ट बनाया आपने, एक्स्ट्रा डेटा, डेटा स्ट्रक्चर बनाया आपने, आप हम्म। उसकी वजह से ऑफ़ हो रहा ये 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 डेटा स्ट्रक्चर नहीं है सर ये है आपके पास uh, एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की अपनी जो टाइम स्पेस होती है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी कॉन्स्टेंट होती है जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं जब आप उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं और जब आप आ, आ, इसको इनिशियलाइज करते हैं इसकी स्पेस भी आपके पास फिक्स्ड होती है तो वो भी कांस्टेंट होती है ठीक है डेटा स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है अगर मैं यहाँ पर एक अलग से हाँ बिल्कुल तो उस केस में क्या होता मेरा जो टाइम है वो बड़ा होता राइट right? तो वो भी हम देख रहे होते रहे। कि क्या ओवरऑल जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा अगर वो तब भी आपका जो आपके प्रोसेस है नीचे वाले अगर लेट्स आपका वाइल जो है वो इस सिचुएशन में आपके पास बिग ऑफ एन ओवरऑल जो दे रहा है आपको टाइम ठीक है और इसकी भी आपके पास जो uh, जो टाइम था वो ऑफ एन है तो आप देखेंगे आपके पास जब इसको आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास बिग ऑफ टू एन आ जाएगा एन प्लस एन विच वुड बी टू एन तो फिर से आप, आप क्या करेंगे आप वो जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे और आपका जो ओवरऑल जो टाइम है दैट वुड स्टिल बी बिग ऑफ इन इन फर्स्ट केस राइट और स्पेस का हमने ऑलरेडी देख लिया क्योंकि हमने कोई एडिशनल यहाँ पर बो नहीं यूज़ किया डेटा स्ट्रक्चर तो हमारे पास वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी ओके okay, सो so इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का इस बारे में नहीं तो हम एक और क्वेश्चन उसको रीड कर सकते हैं इफ यू वांट सर अगर इस क्वेश्चन को हमने लाइक like, किसी और वीएस में या डिफरेंट आईडी में रन करना हो तो मतलब कौन सी लाइक like, चेंजेस करने होंगे इसमें वहाँ पर एक तो आपको वो चाहिए होगा रन टाइम के लिए उधर विल हैव पर्टिकुलर उसका एक्सिक्यूशन होता है वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे कुछ टूल्स uh, पाइथन से रिलेटेड आई uh, के अंदर एंड देन इट शुड बी वर्किंग जैसे यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना टेस्ट केसेस uh, वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वो रन करेंगे ना कोड को तो आपके कोड जो है वो रन हो सकता है वहाँ पे सर uh, यहाँ पे तो लीड कोड uh, में प्री डिफाइंड दी हुई है ना लाइक अगर हमने खुद से देनी हो तो इसलिए मैं पूछ रहा था अच्छा हम हाँ वो कर सकते हैं यानी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर अगर आप वहाँ पे एक लिस्ट अलग से पास करते हैं जैसे नॉर्मल आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उसमें आप उसका कौनसल लॉग लगा के अब पाइथन के अंदर इसमें पाइथन में प्रिंट होता है तो आप प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड या अगर आप इस कोड को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर उसकी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके बाद आपका कोड रानीबल हो जाता है ओके okay, सर शुक्रिया अच्छा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आ, एक ओके okay, तो इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं थोड़ा समझते हैं ताकि आपको समझ आए इसमें यानी एक और एप्लीकेशन आपको कवर हो जाएगी रिगार्डिंग योर टू पॉइंटर्स अच्छा कोई मुझे बत, कोई रीड करना चाहेगा इसको या मैं रीड करूँ मैं कर देता जी जी गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर point two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers be numbers index one and numbers index two where uh, index one is from uh, one to numbers dot length and index two is also from one to numbers dot length. Return the indices of the two numbers added by one as an integer array of length two. The tests are generated such that there is exactly one solution. You may not choose the same element twice. your solution must use only constant extra space. ओके okay, तो उन्होंने अब यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी एक कंडीशन भी दे दी कि आपने जो कोड लिखना है ना उसकी एक्स्ट्रा स्पेस जो कांस्टेंट ही होनी चाहिए यानी आपकी स्पेस कंप्लेक्सिटी जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए ठीक है तो अच्छा अब देखिए हम सिंपली इसको कर क्या रहे हैं जो सर ने सर आपको एक्सप्लेन किया उसमें हो क्या रहा है कि आपके पास दो नंबर हैं यहाँ पर आपको एक टारगेट दिया गया और आपने कोई ऐसे दो नंबर्स जो है ना वो फाइंड करने हैं अपनी एरिए के अंदर से बेचंदेज केसेस नंबर्स और आपने क्या करना है आपने उनके इंडेक्सिस को रिटर्न कर देना एक लिस्ट के अंदर ही इस तरह से फाइन सो बेसिकली एक टारगेट आपको अगर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे आप उसमें से वो जो दो पोजिशन होंगी जो पॉइंटर्स आपके पास होंगे यहाँ पे आप उनके इंडेक्सेस को रिटर्न कर रहे होंगे और एक और चीज़ का ख्याल रखें उन्होंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि आपका जो इंडेक्स है वो वन से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं या तो आप स्टार्ट ही वन से करें या फिर जब आप एंड पे रिटर्न करते हैं यू कैन ऐड वन ठीक है अगर आप ज़ीरो से भी कर रहे हैं तो आप एंड पे वन से करेंगे तो आपका जो आंसर है वो वन uh, के साथ सम होगा और तो इंडेक्सेस जो हैं वो वही रिटर्न हो रहे होंगे आफ्टर एडिंग अ वन ठीक है अच्छा अब कोई मुझे बताएगा इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम वी ऑलरेडी नो कि हम टू पॉइंटर्स के साथ कर रहे हैं लेकिन कोई इसको थोड़ा सा बताना चाहेगा सर आई थिंक हम उसी तरीके से करते हैं कि हम लेफ्ट को रखते थे तीरों पे राइट right को रख देते हैं एंड पे और अगर हमें पेयर मिल जाता है तो हम उनकी जो इंडेसेस है उसको प्लस 1 करके रिटर्न कर देते हैं ठीक है अच्छा अब देखिए मैं आपको ना ये भी दिखाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना फिर से यहाँ पर आपके पास जो टू पॉइंटर अप्रोच है वो किस तरह से एफिशिएंट हो रही है एक चीज़ आप ये भी देख लें कि आपके पास जो लिस्ट uh, है वो सॉर्टेड ऑर्डर है सो so, उसमें ये हो सकता है कि वो नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है यहाँ पर इन दिस केस वी हैव अगर हम देखें तो देट इज़ सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई मुझे बताएगा नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है में. अच्छा हाँ और उसमें ये होता है कि आपका जो टू है उसके बराबर दोबारा एक टू आ सकता है उससे यानी कम नहीं हो सकता बेसिकली ये होता है तो नॉन डिक्रीजिंग डिक्रीज नहीं करना चाहिए बेसिकली तो उसके बराबर आ सकता है लेकिन उसे कम नहीं हो सकता नॉर्मली जब असेंडिंग कहते हैं तो वो फिर एक ही यूनिक वैल्यू होती है यानी, two, और उसके बाद थ्री होना चाहिए वो टू भी नहीं हो सकता तो नॉन डिक्रीजिंग वो इट्स अ सेमी असेंडिंग काइंड ऑफ उस तरह से कह लें कि उसके बराबर एक और वैल्यू रिपीट हो सकती है फाइन तो इस तरह की भी आपके पास ये एक टेस्ट केस आ सकता है बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अच्छा आपके पास अब ये है नॉर्मली अगर मैं इस पे देखूँ ना अगर आपके पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगती है मैं कहता हूँ तो यहाँ पे आप क्या करें आई रख लें और इसके आगे से आप जे रख लें ठीक है अब देखें बारी बारी दोनों पेयर्स को चेक करते हैं ठीक है आपने आई को ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ मैं इसको चेंज करता हूँ तो अब आपके पास आई टू था आपने क्या कहा ठीक है पहले जे को चेक कर लो तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे तो मिल गया इस केस के अंदर टू प्लस सेवन यू गेट नाइन राइट लेकिन अगर आपका टारगेट जो है अगर आपका टारगेट यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि आपका टारगेट जो है दैट इज़ ओके ये आपका टारगेट है ओके दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब अभी आपको पता चलेगा ट्वेंटी सिक्स मैंने किस तरह लिखा है देखें अब इस केस में अगर मैं ब्रूट फोर्स पे जाऊँ ना आप देखिएगा यहाँ पे नेस्टेड लूप इस तरह काम कर रहा होगा आप क्या करें ठीक है, है. जी आपने चेक कर लिया अब आपके पास था इसका सम आप, आपके पास क्या आ गया अभी अभी तक का जो सम है आपके पास दैट शुड बी टू प्लस सेवन टू प्लस सेवन विच इज़ लेसर देन ट्वेंटी सिक्स राइट ठीक है अच्छा फिर से क्या करेंगे इसका मतलब ये अगर लेस है दोबारा से जे जो है वो इंक्रीमेंट और होगा तो हम क्या करें जे यहाँ से उठा के नेक्स्ट वैल्यू को चेक करें तो अब अब आपके पास क्या आ रहा होगा टू प्लस इलेवन तो टू प्लस इलेवन आपके पास क्या और होगा यहाँ पे अगर मैं उसको लिखूँ थर्टीन लाइक टू प्लस सेवन तो आपके पास क्या और हो जाएगा विच इज़ स्टिल लेसर देन टू प्लस इलेवन लेसर देन ट्वेंटी सिक्स ठीक है अभी भी आपको आपका टारगेट नहीं मिला अब देखिएगा इसमें हाइट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही होती हैं जब हम इस टारगेट पे पहुंच रहे होंगे अच्छा फिर से देखें नेक्स्ट आपके पास आ गए यहाँ पे था जे आप अब... ठीक है ये आपके पास जे था अब नेक्स्ट दोबारा से जे यहाँ पे आया तो वो अब दोबारा से टू के साथ चेक करेगा टू प्लस फिफ्टीन विच इज स्टिल लेसर राइट तो आपको अभी भी नहीं मिला तो अब क्या करेंगे आपको टारगेट नहीं मिला तो आई जो है वो आइट्रेट करेगा दोबारा से ठीक है जी उसे एक आगे जा रहा होगा क्योंकि हमें पेयर चाहिए ना हम दोनों हम ए की वैल्यू पे आइए और जे को नहीं कर सकते तो अब इस दफा आपके पास आइए जाए यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे दोबारा से जे ये है और आई है तो सेवन प्लस इलेवन अब आपके पास फिर से आ रहा होगा इलेवन और सेवन एटीन हो जाएगा विच इज़ स्टिल लेसर देन ट्वेंटी सिक्स फिर नेक्स्ट वो क्या चेक करेगा यहाँ पे आ जाएगा जे जो इनर लूप है आपका वो जे है राइट right? तो अब जे दोबारा से आ गया है आप चेक करेगा सेवन प्लस फिफ्टीन वी गेट ट्वेंटी वन ट्वेंटी ओके ट्वेंटी टू अभी भी वो टारगेट से कम है अच्छा फिर क्या होगा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से बाहर वाले लूप में आ जाओ क्योंकि उसने आइट्रेशन पूरी कर ली और इसको हाइड्रेट कर दो तो, फिर से एक ठीक है फिर आगे आगे आई और जे आपके पास यहाँ पे होगा क्योंकि हमने कहा कि हमें नॉन डिक्रीजिंग है तो आपके पास इलेवन के आगे वाला जे होगा यहाँ पे तो आप क्या करेंगे आप देखें अब आपके पास ये टारगेट मिलता है ये कितनी इटरेशंस हो रही होंगी देखिए इस टाइम सिर्फ एक छोटी सी एक लिस्ट के ऊपर हमने एक पेयर फाइंड करना था और उसके लिए हमने कोई चार से पांच इटरेशंस परफॉर्म किए अगर हम वो जो वर्बली हम डिस्कस कर रहे थे इसी तरह राइट चार से पांच सिर्फ इतनी सी के ऊपर हम सिर्फ टारगेट जो हम अपना अचीव करने क्लेम कर रहे थे अच्छा अगर हम टू पॉइंटर्स यूज़ करते हैं ना आप उससे देखें क्या होता आई गेस चलें हम यहाँ पे ना एंड करते हैं ये आपको आइडिया हो गया एक तो हमने ब्रूट फोर्स डिस्कस की कि हमें नेस्टेड लूप के साथ करें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर इसी हर एक वैल्यू के ऊपर हम बार बार आइट्रेट कर रहे हैं और फिर दोबारा से उसको एक प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं ठीक है तो जब इस तरह होता है तो आपके पास एक नेस्टेड लूप बन रहा होता है तो हम ना इसको कल कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि टू पॉइंटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं इसके ऊपर